फिर उसने उसको कुछ किया होगा, तो कहती है ना मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूंगी लड़का मुझे छेड़ रहा है। It sound right, boy. Come on, Chandigarh, show some love. All youngsters, ये सब दिख रहे हैं 12 फरवरी को दांत दिखा रहे बैठ के आगे। मैं भी एक बार गोवा गया था बट इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। बिफोर दैट माय नेम इज मनीष त्यागी, दीज आर 55 शेड्स ऑफ ग्रे। एनीबडी फ्रॉम आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड हियर, एनीबडी यू सर्व, यू सर्विंग, वेरी नाइस, कैन बी अ राउंड अप्लॉज फॉर दीज गाइज ऑल्सो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। कुछ बच्चे भी होते हैं जिनके पापा फौज में होते हैं, जिनके बाप को ओल्ड मॉन्ग चढ़ती नहीं है, पी तो रहे लेकिन चढ़ नहीं रहे, लोंडा बेच रहा है बाहर, ये ऐसा दिखने वाला। सो अभी रिसेंटली मैं गोवा जा रहा था एक शो के लिए कुछ महीने पहले, तो मेरे बगल में एक कपल, वो वैलेंटाइन से पहले ही, वो दिख रहा है वो टिंडर पे मिले हुए, मास्क पहना हुआ है, और बैठते ही लड़की ने जूते उते खोल के एंड शी स्टार्टेड, मेरे नहीं है। ये पहुंच गया भाई वहां पे, मेरे नहीं। उसको ना लड़के को चूटी मार दी उतरी वैसे वाला, फिर उसने उसको कुछ किया होगा, तो कहती है ना मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूंगी लड़का मुझे छेड़ रहा है। मैंने ये तो पहले ही हाँ फ्लाइट से पहले ही सेट है, तो द गाय लुक्ड यंगर देन हर, यू नो व्हाट आई मीन, सो थोड़ी एम्बैरेसमेंट होगी, मास्क पहना हुआ है तो मुझे देखता रहा ऐसे, कहता आप गोवा से हो, मैं नहीं ऐसे ही जा रहा हूँ। फिर मैंने बोला आर यू गाइस मैरिड, तो शी लाइक नो नो नो, वी आर जस्ट गोइंग देयर फॉर 3-4 डेज। ओके, उसने आगे सवाल पूछ लिया, सर 4 दिन गोवा में क्या करना चाहिए? मैंने कहा वही जिसके लिए तू जा रहा, और अगर थक जाए तो शाम को बीच में, और ज्यादा थक जाए मेरे शो में। फिर वैसे कहते हैं सर गोवा में खाना क्या चाहिए, मैंने कहा तू 4 दिन शिलाजीत खा। यही था, कहते आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो यहाँ। बैंगलोर जयपुर आई डिड विद एन एयर इंडिया फ्लाइट, यार मेरे ऊपर जो मास्क निकलता है ना वो खुल खुल के गिरे जाए, वो नहीं वो जैसे ही बंद करें टंग से, मैंने कहा ये मास्क लगाना है वो मास्क लगाना है, तुम पहले डिसाइड तो करो कोविड में कौन सा मास्क लगाऊं, वो कह रहे ये मास्क उतार के सांस लगा, अरे कैसे हो गया, गिरे जाए। फिर उनका ना एक बैंगलोर में एक स्टड आया बिल्कुल एकदम बॉडी बिल्डर, उसने ठक ठक ठक, नाउ इट विल नॉट फॉल सर, मैंने कहा डूड इंजीनियर हूं, 30 साल पुराना तेरा जहाज है, इंजन स्टार्ट होते ही गिरेगा। वही हुआ, वो हाँ वही हुआ, वो चला गया, इंजन स्टार्ट हुआ, खटाक टोइंग, मैंने घंटी बजाई। वो उसमें तो परसर होते हैं ना, वो अब सर व्हाट हैपेंड, मैंने कहा अब इसका क्या करूं, लगा लूं क्या अभी से? इसे सर वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस, आई सेड द फकर हु इज गॉट ट्रेन्ड इज गॉन डाउन, वो तो बोल के चला गया ये चला जाएगा जहाज, कैसे होगा। फिर उसके बाद बंदा आया, फिर उसके बाद मास्किंग टेप लाया, उसने 4 जगह मास्किंग टेप लगाया, देन इट स्टेड मास्किंग टेप, मैंने कहा इंजन पे क्यों लगाया मास्किंग टेप, एयर इंडिया में वाटर लगता है मेरे को, मैंने मास्किंग टेप हटा, बोला एक बार टाटा हो जाएगा ठीक हो जाएगा। मैं तो मेरा टाटा भाई आज ही हो रहा है। एयर इंडिया फ्लाइट लास्ट ईयर देयर वाज अ फ्लाइट इन विच टर्बुलेंस में वो टॉयलेट सीट उखड़ गया, देयर वाज अ स्टोरी, या इट्स अ ट्रू स्टोरी, लकीली उस पर कोई बैठा नहीं था, अगर कोई बैठा होता और उसकी शादी होती घर वाले बोलते कि खा रहा है लेकिन जा नहीं रहा। सो इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स वेयर आई लिव समबडी मूव्ड इन न्यू, होता है नए नए लोग आते हैं तो उनको दोस्ती करनी है जान पहचान, 7 बजे सवेरे मास्क लगा के मैं घूम रहा हूँ, तो कहता है यार आप तो कॉमेडी करते हो एक जोक सुना दो सवेरे 7 बजे वॉक पे। मैंने कहा अगर तुम्हें यहाँ पे कोई डांस इंडिया डांस वाला मिल जाता तुम तो उसको नचा देते बेंच हैं, कुछ नहीं ऐसे ही। 2 दिन बाद उसकी कुछ दोस्ती 2-3 लोगों से हो गई, फिर मिला ऐसे सड़क पे चलता, बोलता है अरे मास्क उतार के एक बार चेहरा तो दिखा दो। मैं कहा मुंह दिखाई के पैसे तो दे। सो हाउ मेनी पीपल हैव डॉग्स हियर, पीपल हु लव डॉग्स, पीपल हु हैव डॉग्स, नहीं है, यू हैव डॉग्स? मैं, मेरी मम्मी साथ में रहती है, लिव विद माय मॉम, ओके, तो उन्होंने मुझे कभी कुत्ता रखने नहीं दिया बिकॉज शी सेड
तू ही काफी है। सब तुम सबके चेहरे से दिख रहा है, सबकी मम्मियां कर चुकी हैं काम, नहीं आप नहीं कर रही। अच्छा मदर्स हैव डन दिस ना, हाँ तो सबके साथ हो चुका। तो बहुत स्ट्रेज हैं, आई प्ले विद सम डॉग्स। तो मुझे एक दिन वो बंदा मिला, चार पांच लोगों के साथ घूम रहा है, तो मैं बैठा हुआ किसी सवेरे 7 बजे हुई, कहता त्यागी जी एक कुत्ते पे ही जोक सुना दो। मैंने कहा मुझे रोज सवेरे एक कुत्ता मिलता है। It sound right, boy.